विश्व एक परिवार है, 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 विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, आओ हम निज परिवर्तन से जग परिवर्तन लाएं, परिवर्तन के पथ पर चलकर सुखमय सृष्टि बनाए, आओ हम निज परिवर्तन से जग परिवर्तन लाए, परिवर्तन के पथ पर चलकर सुखमय सृष्टि बनाए, हम सबके सब अपने हैं, ये सुख शांति आधार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, प्रभु पिता के हम सब बच्चे हो, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। जैसे दिन और रात के चक्र की चार अवस्था है, सुबह दोपहर शाम रात्रि, रात्रि के बाद पुनः सुबह हो जाती है। ऋतुओं के चक्र में भी चार अवस्था है, ग्रीष्म बरसात शीतकाल बसंत, फिर ग्रीष्म आ जाता है। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म के चक्र में भी चार अवस्था है, बचपन युवा गृहस्थ वृद्ध। इसी तरह ये काल चक्र में भी चार अवस्था है, जिसको कहा जाता सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग। कलयुग के बाद क्या होगा, पुनः सतयुग आएगा, क्योंकि ये चक्र है। कई लोग सोचते हैं इतना घोर पापाचार का युग कलयुग सतयुग में कैसे बदल जाएगा, कोई मनुष्य का काम नहीं है उसको बदलना। जिस तरह घोर अंधेरी अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में अपने आप बदलती है, कोई चाहे या न चाहे, परिवर्तन नित्य प्रक्रिया है। कुदरत की रचना में ऐसी सेटिंग्स है कि घोर अंधेरी अमावस्या की रात धीरे 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 सुबह में बदल जाती है। कोई सारी रात भी बैठ जाए देखने के लिए कि भोर कैसे निकलती है, भोर कब निकल आती है पता भी नहीं चलता है। तो हर चक्र के चार अवस्था जरूर है, जिसमें से उस चक्र को गुजरना पड़ता है। लेकिन ये भी है कि हर चक्र की एक अवधि जरूर है, एक ड्यूरेशन पीरियड है, जिसमें उसको वो साइकिल कंप्लीट करनी हो। जैसे दिन और रात के चक्र की अवधि है 24 घंटा, उसी में ही ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ऋतुओं के चक्र की अवधि है 1 साल, उसमें ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ऐसे एक काल चक्र की अवधि है 5000 साल।
परंतु जब ये 5000 साल सुनते हैं तो कई लोगों के मन में कई प्रश्न आ जाते हैं कि 5000 कहाँ से आया। शास्त्रों में तो एक एक युग लाखों साल के लिखे हैं, अब 5000 कैसे कहते हैं, और क्या सबूत है कि ये चक्र 5000 साल का है। कई प्रश्न आते हैं, लेकिन मैं अगर ये पूछूं कि लाखों साल का एक एक युग है, उसका कोई सबूत है, तो कैसे स्वीकार कर लिया कि लाखों साल का एक एक युग है। 5000 का सबूत है हमारे पास। वैसे 5000 का वर्णन सभी धर्म पुस्तकों में किया गया है। हिंदू धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो महाभारत युद्ध को हुए कितने साल हुए, कितने साल हुए, 5000 साल। और उस महाभारत के अंतिम पर्व में ये बात आती है कि जब घर घर में महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। तो आज घर घर में क्या चलता है, चलता है महाभारत, चलता है नहीं चलता है, तो महाभारत काल पुनः आ गया ना, हो गया ना 5000 साल। महाभारत में जो कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया गया है, शकुनी जैसे कैरेक्टर आज के समाज में देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, है शकुनी, क्या कहेंगे, है शकुनी। महाभारत में तो एक ही शकुनी दिखाया, आज हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा जो घर घर में आग लगा रहा है। दुर्योधन जैसा कैरेक्टर्स, दुर्योधन माना जिसने धन का दुरुपयोग किया, ऐसे पात्र भी आज के समाज में है या नहीं है, बहुत है। दुशासन जैसे पात्र भी है या नहीं है, और माता पिता पुत्र मोह में अंधे, ऐसे माता पिता भी है या नहीं है। तो महाभारत में वर्णित पात्र सभी इस वक्त समाज के अंदर प्रैक्टिकल दिखाई देता है, तो हो गया 5000 साल। इस्लाम धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पवित्र धर्म पुस्तक में भी ये बात आती है कि कयामत का समय 5000 साल में एक बार आता है, और उनके पवित्र धर्म पुस्तक के हिसाब से कयामत का समय आ रहा है, हो गया 5000 साल। क्रिश्चियन धर्म शास्त्र के हिसाब से भी ये बात आती है कि क्राइस्ट से 3000 साल पूर्व देयर वॉज हेवन ऑन अर्थ, 3000 साल पूर्व और 2000 साल बाद नॉस्ट्रोडेमस की भविष्यवाणियों के हिसाब से द गोल्डन ईरा इज टू कम, तो हो गया 5000 साल। तो हर धर्म शास्त्र के हिसाब से 5000 का वर्णन जरूर है,